नवनीत अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संविधानिक शेड्यूल ट्राइब्स थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022। सर हम जो बिल ला रहे हैं और ये थर्ड अमेंडमेंट कर रहे हैं कि दूसरी जातियों की जो मांग बहुत सालों से है, जो यही एसटी में थे, उनको फिर से अपने एसटी इसमें लाकर उनको न्याय देने का काम हमारी ये मंत्रिमंडल कर रहा है, उसके लिए मंत्री जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। शेड्यूल ट्राइब्स के जितने भी लोग हमारे कलीग्स यहाँ पर बोले, सभी ने अपने अपने क्षेत्र के या अपने राज्यों के जितने भी ट्राइबल में रहने वाले आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी समस्याओं के बारे में यहाँ बताया। सर हम भी जहाँ से आते हैं, मेरे क्षेत्र में एक विधानसभा पूरी शेड्यूल ट्राइब आदिवासी भाई बहन रहते हैं, जिनकी पिछले कई वर्षों से बहुत सारी समस्याएं हैं। सर मनरेगा का अभी यहाँ पे उल्लेख किया गया कि मनरेगा में क्या काम हुआ है, उनके हाथ बांध दिए गए, उनको कमजोर बनाया गया है। सर सबसे ज्यादा मनरेगा में अगर कहीं पूरे विदर्भ में अगर कहीं काम हुआ है तो वो मेरे शेड्यूल ट्राइब एरिया में। सर एक एक महीने में मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब में रहने वाले लोग वहां पे काम करते हैं और 100 डेज ये मिनिमम दिया गया है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी मंत्रिमंडल से भी और सरकार से भी कि मिनिमम ऑफ 200-250 डेज उन्हें साल में काम देना चाहिए। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर माल न्यूट्रिशन की और चिकल सेल्स की मैडम, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं ये सब चीजों की उनके बहुत बड़ी समस्या है। वहां पे हॉस्पिटल की कहीं सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं हमें देना बहुत जरूरी है। और गर्भवती जब डिलीवर करती है तो अगर वहां पे कोई इमरजेंसी केस होता है तो 150 किलोमीटर उन्हें अमरावती आना पड़ता है और बीच में ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो कई बार माता की भी डेथ हो जाती है और बच्चे की भी उसी के साथ डेथ हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे उन्हें हॉस्पिटल की फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है। आज भी मेरे क्षेत्र में मैक्सिमम जगह मैडम ट्राइबल एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीफोन्स नहीं है, इंटरनेट काम करते नहीं है, 108 फोन करने जाए तो 108 फोन एमपी में लगता है। ये सभी समस्या है। उसके साथ एजुकेशन की मैडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी ट्राइबल एरिया है, चंद्रपुर हो, हमारा अमरावती मेलघाट का क्षेत्र हो, जहां जहां ट्राइबल्स एरिया होते हैं वहां पर एक तो हमें भाषा की प्रॉब्लम है। हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में जब हमारे टीचर्स वहां पर आते हैं तो वो नॉन आदिवासी होते हैं मैक्सिमम, और उन्हें हमारी भाषा नहीं आती है। हमारे बच्चों को उनकी भाषा समझती नहीं है, उनको हमारी भाषा समझती नहीं है। और हमारे बच्चों को अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है तो 150 किलोमीटर प्लेन पट्टे से हमारे वहां पर आदिवासी क्षेत्र में आने तक के लिए उन्हें बहुत कष्ट करना पड़ता है जो टीचर्स वहां पे पढ़ाने आती हैं। हमारे बच्चों ने बीएड डीएड किए हुए हैं आदिवासी के, तो उनको ही अगर अपॉर्चुनिटी उस क्षेत्र में दिया जाए तो वहां के बच्चों को ना लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, ना एजुकेशन प्रॉब्लम होगी, अच्छी पढ़ा सकते हैं। और उन्हें जो राइट देने का काम हमारे प्रधान प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, वो राइट देने का काम हम लोग कर सकते हैं। छोटे छोटे इशू हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है। सर 2 मिनट्स, इट्स आई नो हम समर्थन करने के लिए खड़े हैं पर आदिवासियों की प्रॉब्लम है। अगर समाज को आदिवासी ट्राइबल में लाके उन्हें न्याय देने का काम कर रहे हैं तो उनको जो सुविधाओं से वंचित है उन्हें यहाँ पर रखना हमारा कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशू होता है उन्हें उतने दूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके डीएम से मिलकर चप्पलें घस जाती हैं तभी भी उन्हें उनकी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी मिलती नहीं है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो मुझे लगता है हमारे आदिवासी भाई बहनों को बहुत न्याय दे पाएंगे। मैडम मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, उनका पुनर्वसन, मैडम पुनर्वसन जब भी हम वहाँ पे करते हैं, पहले तो हमारे लोग आदिवासी जंगल छोड़कर बाहर सिटी में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो जंगल छोड़कर प्लेन पट्टे में आते हैं तो उनको जो राइट्स देना चाहिए, घर छोड़ने का जो मुआवजा देते हैं वो 10 लाख रुपए देते हैं। और शहरों में 10 लाख रुपए में आज कहीं पर भी किसी को भी रहना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए पुनर्वसन की जो राशि रहती है उसे डबल ट्रिपल करके उन्हें सुविधा उस चीज की भी देनी चाहिए, तब जाके वो अपने घर, अपना जंगल, अपना प्यार छोड़कर वो शहरों में आएंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सोचना चाहिए मैडम। और मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं जो मैंने बताए हैं, और फार्मर्स के इशू, लास्ट 1 मिनट सर, जस्ट 1 मिनट, किसानों के मुद्दे हैं मैडम। जब ट्राइबल क्षेत्र में हम जब रहते हैं तो वहां पर जितनी भी जगहें हैं वो फॉरेस्ट में आती हैं। फॉरेस्ट से हमको वो दी गई हुई जगहें कि यहाँ पे रहना बसरा करने के लिए आपको इतनी जगह हम देते हैं और उसमें आप खेती कर सकते हैं, पर वो खेतियों का फॉरेस्ट को लगा है करके वाइल्ड एनिमल्स का इतना बड़ा प्रभाव रहता है
कि काम करने के बाद वहां पे बुआई करने के बाद हमें वो चीज हाथ में लगती नहीं क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स पूरी जानवर खा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजों का भी निपटारा करना चाहिए। पर मंत्रिमंडल जब भी ट्राइबल को लेकर यहाँ पे जो भी बिल लाते हैं हम उसके साथ में हमेशा खड़े हैं क्योंकि ट्राइबल आदिवासी लोगों को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्हें ग्रोथ देने वाला ये पिछले 8 वर्षों में जितनी ग्रोथ ये प्राइम मिनिस्टर जी के मंत्रिमंडल द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दे सकते थे मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा आप लोग दे रहे हैं। पर छोटी छोटी इश्यूज हैं उनके लिए भी अगर आपने सपोर्ट किया मैडम तो बहुत ज्यादा हेल्प हमारे आदिवासी भाई बहनों को होगा। मंत्रिमंडल ने पहले भी 4G के लिए हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है, आगे भी कनेक्टिविटी के लिए अगर थोड़ा सोर्स करेंगे तो मुझे लगता है उनको कनेक्टिविटी बहुत जल्द मिलेगी। थैंक यू सो मच सर एंड आई सपोर्ट दिस बिल। ऑनरेबल मेंबर श्री पी रविंद्रनाथ। Honorable members, those who are spoken yesterday, do not repeat same points today. Sir, thank you very much, sir. The house must be knowing, the whole country must be knowing about the state of Andhra Pradesh. The state was bifurcated unscientifically by the UP in the UPA tenure, sir. Sir, by that time, there was a promise made by the Honorable Prime Minister that Andhra Pradesh state shall be given special category status. But due to some unavoidable reasons of 14th Finance Commission, the special category status was denied. But later stage, what happened, sir, in the 15th Finance Commission has mentioned that union government can take an appropriate decision. Kya sadan mein kisne vada kiya tha is vishay par? Ye hamesha uthate rehte ho. Sir, this is the demand for grant, sir. We need a grant for the Andhra Pradesh state, sir. Once the Andhra Pradesh state got unscientifically bifurcated, sir, this is not the voice of Andhra Pradesh. It should be a voice of the country, sir. Rather, it should be a voice of the country. And many more times, our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy ji met the Prime Minister and all the union ministers, sir, to give a special grant for Andhra Pradesh. Sir, we are like a small baby, sir. We are malnutrition, sir. Let the people of Andhra Pradesh shouldn't think that we are minorities of the country, sir. We are number is only 25, but the injustice is made to the state of Andhra Pradesh. Let the magnanimity should be there for the government of India to sanction the grants for the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, okay, once okay. The two brothers got separated as a family, one brother is given a high amounts of wealth and one brother is given nothing, sir. Then the government of India, being a father role, ये they have to take the justice for the Andhra Pradesh. संसदीय कार्यमंत्री बंटवारा कब हुआ था ये? 2014 में हुआ था. 9 years done, sir. But up till now, nothing has been happened, sir. Yes, sir. But these and the minister Venkaiah Naidu ji has mentioned, sir, in the house itself, that Andhra Pradesh state shall be given 10 years of, not 5 years, 10 years of special category. Then Nishikant ji, aapko kanun bata denge, naam loge. But these and the minister in this house, sir, not the other house, in this house only. Sir, one more thing, sir. It is one of the members from... Jab ye division hua, sir, 2014 mein, Venkaiah ji is sadan ke sadasya nahi the. उन्होंने वहां राज्यसभा में क्या कहा क्या नहीं कहा ये यहाँ थोड़े डिस्कस हो सकता है. He was not minister. लोकसभा he was not minister. But he was mentioned in Lok Sabha, sir. Yes, sir. By the time, and also the Honorable yes, Prime Minister, sir, then the Prime Minister, sir. Manmohan Singh was the Prime Minister, assured the House that Andhra Pradesh will be given special category status at the not time for of the division. 5 years, 10 years. Dr. Manmohan Singh as Prime Minister. Sir, assured. we are seeking a different part, sir, different ways to go with a private member bill, sir. For AP Reorganization Act of Private Member Bill of 2022, in that we wanted to include special category status, sir. Okay, so why dhanyavad. Such kind of situation has to happen, sir? Sir, one more point, sir. Finally, I wanted to make one more point, sir. One of the members of TDP, sir, who is right now, sir. Sir, I wanted to quote, sir, we are not that poor enough to pay salaries, sir. We are abundant enough to pay salaries. But one more thing, sir, the Minister of Finance has informed the state that 17,923 crores has been reduced against the NBC for 2021 to 22 due to the over borrowing of fiscal irresponsible by TDP government, sir, during 14th Finance Commission, sir. But that is being adjusted now what central government is giving to the state, that is being adjusted, sir. But the TDP tenure, they did all the mistakes and now
The what the funds is being given to the state, that is being reduced, sir. How can it be possible, sir? Is any action has to be taken by the central government to that past government? Let it be, sir. But the what all the amount finances has to come to the state, that has to taken care by the central government, sir. Sir, one more point I'd like to quote, sir. And regarding the Polavaram project, sir, the Polavaram project is the lifeline for the Andhra Pradesh state. Once the Hyderabad, the capital city, has been given to the Telangana, the Polavaram project funds has to be given to the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, first time in the history of the country, sir, any national project, once the state is investing money and the central government is reimbursing the money, sir, how can it be possible, sir? Still more than 2,800 crores has to come to the state of Andhra Pradesh. I request Sri the central Ravni government Singh to Bittu. Sanction the funds at the earliest, sir. And also more to that, sir, we are having a big coastline after Gujarat, sir. Our chief minister is going ahead with the fishing harbour, sir. We request your finances to be given to the state of Andhra Pradesh. Ravneesh Singh Bittu.